नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है आदि पुरुष। इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। इसके VFX, इसके डायलॉग्स को लेकर खूब आलोचनाएं की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रामानंद सागर साहब के जो रामायण थी उनमें लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी साहब जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। जयराम जी की धन्यवाद। सुनील जी, क्या आपने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद आपको कैसा लगा? आप क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? मैंने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मैं बहुत निराशजनक हुआ, बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि रामायण को लेके इस तरह का मजाक बनाना, और वो भी उन लोग जिनकी एक बैकग्राउंड है, जिनका एक स्टेटस है, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे बहुत बड़ा मतलब है कि उस बात को बहुत दुख हुआ कि इस तरह के लोग भी अपनी ही संस्कृति की इस हिसाब से मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगा। आदि पुरुष के लक्ष्मण, यानी कि उन्होंने सनी सिंह ने उसका किरदार निभाया है, और एक जो रामायण जो हम सब ने देखी है, बहुत अच्छे से उससे परिचित हैं, उससे एक लगाव सा है हम लोगों को, उसमें आपने लक्ष्मण का रोल प्ले किया, क्या फर्क नजर आया सबसे ज्यादा आपको? सर मैं बताऊं, उसमें तो एक्सपोजर ही प्रॉपर नहीं है ना किसी कैरेक्टर का, ना राम का एक्सपोजर है प्रॉपर, ना लक्ष्मण का एक्सपोजर है। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिखा मुझे और परफॉर्मेंस वाइज भी, तो वो सिर्फ सैफ साहब की दिखी। सैफ साहब ने बहुत अच्छा किया है, बस मैं यही कहूंगा। बाकी लक्ष्मण के कैरेक्टर में तो मुझे कुछ भी स्कोप ही नजर नहीं आया कि कहीं पे वो कुछ कर सकते। फिल्म में एक जगह डायलॉग बोला गया है हनुमान जी की तरफ से, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इस टाइप से। उस डायलॉग को लेकर क्या कहेंगे? मतलब एक आदि पुरुष फिल्म का नाम है और उसमें इस तरह के डायलॉग्स, यानी कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल बजरंगबली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शर्म वाली बात है कि मतलब है कि जिनको हम पूजते हैं, जिनके दुनिया भर में मंदिर हैं, जिनको हम संकट मोचन कहते हैं, उनका ऊपर पूरा हनुमान चालीसा है, और जो राम भक्त हैं, और राम भक्त होने के बाद भी क्या है, राम जी भी उतने ही भक्त थे हनुमान जी के, है ना, और उतना ही प्यार था उनके मन में हनुमान जी के लिए, और वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बहुत मतलब कि चीप लगता है, मतलब उनके मुंह से इस तरह के डायलॉग बुलवाना है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, हमको ढावनी पड़ी। हम लाइक कैन कैन इवन से इमेजिन कि हनुमान जी इस तरह के डायलॉग बोलेंगे। लेकिन फिल्म में क्योंकि उनसे बुलवाया गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन डायलॉग्स को हटाया जाएगा, और जिन डायलॉग्स को लेकर आपत्तियां हैं लोगों को, उनको वहां से कट किया जाएगा। क्या सिर्फ डायलॉग्स हटा देना मात्र काफी होगा आपको लगता है? एक बार आघात कर दें किसी को और फिर उसके बाद में कहें कि सॉरी और मलम पट्टी कर दें, तो वो चीज ठीक तो हो नहीं सकती ना। कहीं ना कहीं दिल में वो जख्म का उसका वो एहसास तो रहेगा ना। तो वैसे ही अगर आपने पहली चीज तो गलती नहीं करनी थी और गलती की है, उसको मान रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएबल है, बहुत सराहना की करनी चाहिए कि वो उन्होंने गलती मानी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है तो मान रहे हैं ना। अगर गलती नहीं की होती तो मानते ही नहीं गलती। इस तरह की गलती उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। इतने सुलझे हुए लोग हैं सारे के सारे, इतने समझदार लोग हैं, पर कैसे इस तरह की इतनी बड़े ब्लंडर कर ली? उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस देश के जो जनता है, इस देश में जो मतलब एक भावना है लोगों की, वो आस्था है लोगों की, उस आस्था के साथ में इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। जब फिल्म आई, जब फिल्म आई तो जी कि लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। अभी से पहले तक लोग सिर्फ आपस में बात करके चुप रह जाते थे, पर इस बार उस जागरूकता के लिए मैं हर उस इंसान का मैं धन्यवाद करता हूं, उस इंसान को प्रेज करता हूं कि इस बात को लेके उन्होंने उठाई है ऑब्जेक्शन, और वो ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड भी है, और उस ऑब्जेक्शन को करना चाहिए और इसी तरह जागरूक रहना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो जागरूक होके उसका सामना करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए कि बस अब दिस इज नाउ टाइम, यू शुड स्टॉप हियर नाउ। सुनील जी, कई लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म को बायकॉट करना चाहिए, इसे बैन करना चाहिए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं?
बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज दे रही है। जो लोगों ने नहीं देखी है उनके मन में गलत धारणा जाएगी इस चीज को लेके, बस इस चीज को नहीं दिखाना चाहिए उनको। मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब जो जी डायलॉग राइटर हैं इस फिल्म के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने वैसे ही डायलॉग्स लिखे जो डायरेक्टर ओम राउत ने उन्हें लिखने को कहे। तो अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि बात बिगड़ गई है, लोगों को पसंद नहीं आ रही। अब मैं कहता हूं कि चलिए, मैं मनोज जी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उन्हें बहुत संस्कारी मानता हूं, बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने पीछे चीजें लिखी हैं, धर्म के प्रति, माँ के प्रति, देश के प्रति, सब कुछ है। पर अगर आपको कोई चीज में आप कन्विंस नहीं है, अगर डायरेक्टर मना कर रहा है, तो आप कहते हैं सर मैं नहीं करूंगा, आप किसी और से करवा लीजिए। अगर सपोज कीजिए किसी चीज के लिए, किसी परफॉर्मेंस के लिए, किसी सीन के लिए, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, ड्यूरिंग रामायण शूटिंग में भी हम लोग जब रामायण कर रहे थे तो कई बार कई चीजों को लेकर मेरा डिसएग्रीमेंट था सागर साहब के साथ में, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, क्योंकि तो मैं उस समय ये नहीं देख रहा था कि मैं मतलब कि किसी के अंडर में या किसी के उसमें काम कर रहा हूँ। जो मुझे जस्टिफाइड लगा, जो मुझे लगा कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए या ऐसी है तो क्यों है, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता था, इसलिए उनसे आर्गुमेंट किया, उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने कई जगह उन्होंने लगा कि हाँ मैं बात सही बोल रहा हूँ, तो उन्होंने उसका करेक्शन भी किया अपने लेवल पे, और अल्टीमेटली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो सुनील ये जी, चीजों आपको नहीं को लगता जो कि फिल्म सिर्फ देखने के लिए, कमाई के लिए बना दी गई, उसका रामायण से कोई एज सच लेना देना नहीं था? क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं कि आपने भी जब रामायण आप शूट कर रहे थे तो आप रामानंद सागर साहब से आपके कुछ चीज़ों को लेकर बात हुई कि ये सही नहीं है, इसको सही कर लीजिए, तो जो स्टार कास्ट है और लोग भी हैं, क्या उन्होंने नहीं पूछा? जिम्मेदारी तो हर किसी की बनती है ना, पल्ला नहीं झाड़ सकते। ऑफ कोर्स बनती है, और मैं तो सोचता हूँ कि एक्ट्रेस की भी जिम्मेदारी है, खास करके जो स्टार हैं, प्रभास जैसे स्टार हैं जो दक्षिण से आए हैं। दक्षिण में देखिए हमारे कल्चर को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, धर्म को लेके कितनी भावना है, कितने श्रद्धा है, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे उन चीजों के, तो कितनी मतलब है कि देख, तो वहां पे मेरे ख्याल से वो उस पोजिशन में है जहाँ पे वो ऑब्जेक्शन ले सकते थे, उस पोजीशन में है कि जहाँ पे वो बोल सकते थे कि भाई ये चीज जो है वो सही नहीं है, रामायण को लेके सही नहीं हो रहा है। पर मुझे नहीं मालूम कि किस मजबूरी में इस बात को किसी ने उठाया नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर जानबूझ किस तरह करने की कोशिश की है। और अपने ही लोग अगर अपने ही कल्चर का मजाक उड़ाएंगे, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ही मुंतशिर शर्मनाक। साहब एक बात और कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आदिपुरुष में 4,000 से ज़्यादा पंक्तियाँ उन्होंने लिखी, संवाद की, लेकिन 5 पंक्तियों से लोगों की भावनाएं आहत हो गईं, ये कितना सही? जी, देखिए ऐसा है, आप जिंदगी पर अच्छे कर्म करते रहे, हाँ आप एक गलत करेंगे तो वो ज्यादा याद रखा जाएगा, ना कि वो अच्छे कर्म याद रखे जाएंगे, क्योंकि हाँ बुराई जो है वो बहुत जल्दी नोटिस होती है। और 4,000 पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, पर 5 ऐसी गलत बातें लिख दी हैं। हाँ, अगर वो कोई एक नॉर्मल कैरेक्टर एक किसी उससे कहलवा दे तो बात उतनी अखरती नहीं, हाँ हनुमान जी जैसे कैरेक्टर के साथ में अगर आप बात कहलवा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को अखरेगी, क्योंकि हनुमान जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। और दूसरी चीज, तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि जो कैरेक्टराइजेशन है, किस किस बात को सोच के उन्होंने किया। अब जैसे मेघनाथ को पूरे बॉडी पर टैटू, टैटू बनाने का क्या मतलब था? क्या मुझे लगता है कि सिनेमा जो है वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप अगर कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। है जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रावण एक सीन में लोहा पीट रहे हैं, है क्यों वो लोहा नहीं पीटते तो सीन में क्या फर्क पड़ता था? कुछ और उनको जॉब दिया जा सकता, कुछ और कर सकते, एक सिंहासन पे बैठे हो सकते थे, अपने मंत्री से बात कर रहे हो सकते थे। लोहा पीटने का सीन क्यों रखा? क्या वो इतना इतना इस तरह का राजा है कि वो अपने काम खुद ही करता है, अपनी तलवारें खुद ही बनाता है? यानी कि बहुत जगह इसलिए लूपहोल्स हैं इस फिल्म में, और रामायण से इसकी तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मॉडर्न रामायण है, लेकिन हम चलिए, इसे मॉडर्न मॉडर्न रामायण कैसे की है कैटेगरी में रामायण? कैसे रखें जब इस इतने सारे लूपहोल्स हैं और इतने डायलॉग्स में या फिर VFX में गलतियां की गई हैं? तो फिर उन्होंने रामायण को बनाना ही नहीं था, रामायण को बेस ही नहीं रखना था। आपने ये सीक्वेंसेस रामायण के उठा लिए हैं, आपने राम सेतु बनाया, लंका बनाई आपने, जंगल बताया आपने, मारिच सोने का हिरण बनाया आपने, वाटिका बनाई आपने,
हनुमान जी को याद दिलाया आपने कि उनमें कितनी ताकत है, उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई, ये सारे सिक्वेंसेस तो रामायण से ही है ना। फिर आप कैसे बोल सकते कि रामायण नहीं है ये? आप नहीं, दो बातें नहीं कर सकते, मॉडर्न या तो आधुनिक युग रामायण की है या रामायण रामायण, नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि ये आधुनिक युग की रामायण है, तो क्या हम रामायण का जो चरित्र है, जो ओरिजिनलिटी है, क्या उसे बदल सकते हैं? और क्या उसे बदलने का किसी को हक है इस देश के अंदर या फिर नहीं, दुनिया के अंदर किसी मैं को? समझता हूँ। आप ये बताइए कि पुष्पक विमान जो है वो कुबेर से रावण को मिला था, है? आप एक चमगादड़ दिखा रहे हैं उसमें, ये मॉडर्निज्म है? ये मॉडर्न हो रहा? आप ये बताइए, मॉडर्न रामायण है तो मॉडर्न रामायण में आपने ये लुक ही नहीं देना था उनको। बिल्कुल, ये लुक जो दिया है आपने, धनुष बाण वाला, धनुष बाण क्यों थी? फिर आपने मशीन गन देना थी, AK-47 उनके हाथ में पकड़ानी थी। फिर आपने महल क्यों बनाना था? आपने पैलेस बनाना था, जो उस तरह का जो मॉडर्न पैलेस है वो बनाना था। फिर आपने इस तरह की जंगल में पैदल क्यों चल रहे हैं? वो मर्सिडीज लेके या BMW लेके चलते? तो यानी कि ये एक तरह का आप मजाक, एक तरह नए आधुनिकता के नाम पर उस चीज के साथ एक मजाक हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली आप आधुनिक बोल रहे हैं, पर आधुनिकता क्या है मुझे बताइए। उसमें आप टैटू बना दिया, उसको आधुनिक कहते हैं? ये मुझे लग रहा है कि जहां पे वो सिर्फ उन्होंने पुष्पक विमान के बदले चमगादड़ बता दिया, चमगादड़ बताने का, और वो भी चमगादड़ जबकि इतना बड़ा ब्राह्मण था रावण, वो चमगादड़ को वो मीट खिला रहा है। वो डायलॉग देखिए, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ घूम रहा है, क्या डायलॉग है ये? इससे मॉडर्न बन जाती है क्या रामायण? नहीं, ये एक लगता है जैसे अनमेच्योर्ड स्क्रिप्ट राइटर या फिर जो बनाने वाले हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, वो अनमेच्योरिटी दिखाते मुझे हैं ये लगता सब है कि करके, उनके क्योंकि उनके दिमाग पे, आंखों पे पर्दा डला हुआ था और बना रहे ये फिल्म, और उन्होंने सोचा कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। ये अगर फिल्म उन्होंने बनाई होती उनके लिए, जिनको इसके बारे में रामायण का नॉलेज नहीं है, बात समझ में आती। आप जब इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हो, इंडिया के लिए बना रहे हो, इवन आप ये बताइए, एक विदेशी आदमी जो ब्रिटिशर है या फिर अमेरिकन है या जर्मन का है या ऑस्ट्रेलिया का, वो क्यों फिल्म देखने जाएगा ये बताइए? अगर वहां पे भी जो लोग देख रहे हैं विदेश में भी, वो भी इंडियन देख रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें संस्कृति मालूम है। फिर आपने उन्हें डिस्क्लेमर में क्यों लिखा है कि रामायण से इंस्पायर होके? रामायण सबको पता है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि रामायण बना रहे हैं आप, फिर आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि हमने रामायण नहीं बनाई है, क्या अच्छा, ये क्या आपको बोल सकते लगता हो? है, एक कलाकार होने के नाते आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है नेगेटिव पब्लिसिटी का, क्योंकि फिल्म ने अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है, हालांकि अब थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, फिल्म को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं जब इतना हंगामा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें की अरे गई? मुझे नहीं लगता कि इवन 300 करोड़ किए होंगे। ये फिगर पेपर पे है, किसी के पास फैक्ट्स नहीं है इसके। और दूसरी चीज, क्योंकि क्या है कि मैं वेरी सेकंड डे पिक्चर देखने गया था और इवनिंग शो देखने गया था, विंडो पे मुझे एक आदमी नजर नहीं आया। मैं वहां पे कोई गैदरिंग, कोई मतलब एक रश नहीं दिख रहा था, और जो सीटें थी वो भी ऐसा लग रहा था कि फेड की हुई है, जबरदस्ती भरी हुई है, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो भाई 500 टिकट चलो बांट दो, उस तरह का मुझे फील आया। वहां पे दो चार लोग जेन्युइन भी लगे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, दो चार लोग जेन्युइन लगे, पर जो जेन्युइन लोग थे वो फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो फिल्म को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे पीछे दो लेडीज बैठी हुई थी, वो लेडीज आपस में कह रही थी क्या बकवास दिखा रहे हैं, क्यों इस तरह की बकवास दिखा रहे हैं। मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, वो बोलता है आप दूसरे अपने साथी को, यार ये तो बहुत बोरिंग पिक्चर है, लेट्स गो। आप सोचिए, जब ये फीलिंग आ रही है, तो फिर सेकंड डे अगर ये फीलिंग आ रही है तो कैसे 300 करोड़ का मिस कर रही होगी पिक्चर, मुझे ये समझ में नहीं आया। सुनील साहब, आखिरी में मैं यही चाहूंगा कि आप कोई संदेश दें, News 24 के इस मंच से आप कोई संदेश देना चाहते हैं क्या उन मेकर्स को और उस ऑडियंस को भी जिसने इसको लेकर बड़ी सेंसिबल तरीके से लिया है और बाइकॉट और तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं यही कहना चाहूंगा मेकर्स को कि सेंसिटिविटी, आस्था के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, और खेले भी, खेलना भी, खेलना भी नहीं। और खेलेंगे तो जो इसका हाल हुआ है, इससे बदतर ही हाल होगा, इससे बेटर नहीं होगा। और ऑडियंस को मैं फिर
थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने इस बार अपने अंदर वो ज्वाला जला के रखी, वो ज्योति जला के रखी, जिससे उन्होंने रिएक्ट किया और बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट किया है। और ये जो मतलब है आग है, जो ज्वाला है, ये सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई इश्यूज जो हमारे देश में हैं, जो हमारे माता बहनों और बेटियों को लेके हैं, उसमें भी यही आस्था और यही मतलब है कि जो फीलिंग है वो लेके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और उसको उठाना चाहिए। और देश में जो हमारे सनातन धर्म है या हमारी संस्कृति है, उसके लिए रक्षा करने के लिए आंखें बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर देखिए कोई भी धर्म है या कोई भी देश है, वो अपनी कल्चर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, हमें भी अपने कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा कल्चर हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी उतनी ही सम्मान सम्मान मिलता है, उतनी ही इज्जत है और उतनी ही आस्था है उसको लेके। और डेफिनेटली कई विदेशी भी जो हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी संस्कृति और जो कहते हैं ना विश्व गुरु वाली बात है, वो है, पर सिर्फ हमारे दिमाग से वो बात को साफ करके हमें अपनी उस संस्था को और उस आस्था को देखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस एंड एज वेल एज द मेकर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील लहरी साहब, आपने समय दिया, और क्योंकि हम सब आपको लक्ष्मण की भूमिका में देखते हैं और आप उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ है उसमें भी आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का जो किरदार था वो थोड़ा सा क्रोधित होने वाला था, तो आप मेकर्स को अगर कह रहे हैं और ऑडियंस को कह रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस चीज़ को वैसे ही लेंगे। ये बहुत सीख रामायण से मुझे मिली है। धन्यवाद। जय श्री चलिए राम। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम। राम जी।